हाई गाई वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज माई नेम इज़ अंशुल मित्तल एन इन टू डे इस वीडियो दे विल कवरिंग चैप्टर नंबर नाइन ऑफ ए सी सी एफ एट एंडम ऑफ दैप्टर इंटरनल ऑडिट यू मस्ट बी वांडरिंग के सर आपने चैप्टर नंबर एट तो भी कराया नहीं है तो एट कब कराओगे सो द पॉइंट इज गाइड एट चैप्टर जो है मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा रीजन बींग एट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लंबा है एंड वो चैप्टर जो ऑलरेडी हम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इन ऑडिट कंट्रोल्स 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 वो उसी से रिलेटेड है तो अगर मैं वो चैप्टर कराऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा तो ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर नाइन इंटरनल ऑडिट ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे जो अभी तक हम चैप्टर्स करते आए हैं उनसे और ये थोड़ा सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ठीक है और ये चैप्टर छोटा भी है तो आई ट्राई कि मैं उसको इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूँ तो एक चैप्टर तुम्हारा मोस्ट लाइकली एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है इंटरनल ऑडिट हम कब कराते हैं इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कवर होता है इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं दैट्स इट, यही है इस पूरे चैप्टर में सो लेट स्टार्ट चैप्टर तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि इंटरनल ऑडिट की नीड क्या है वॉट इज द नीड फॉर इंटरनल ऑडिट सो इसके लिए काम करते हैं मैं एक बार ये पूरा पैराग्राफ तुम्हारे को पढ़ के सुना देता हूँ रीजन मैं वैसे तुम्हें वर्बली भी बता सकता हूं बट ये पैराग्राफ पढ़ के तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एसी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल ऑडिट होता क्या है सो इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट विच वी नो ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी इट्स अ कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन ये जो इंटरनल ऑडिट होता है तो ऑडिट से ये मत सोच देना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है तो दिस इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं है ये जो ऑडिट है ये इसलिए होता है टू चेक द मैनेजमेंट टू कंपनीज ऑपरेशन जो वो कर रही है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है इट वर्क्स लाइक एज एन ऑफ द कंपनी जो हर महीने जो भी कंपनी होती है कंपनी जो भी हर महीने जैसे एक मंथ है एक मंथ में जो भी कंपनी का काम हुआ है उसकी रिपोर्ट बना के अपने इनपुट्स दे के जैसे उसने रिपोर्ट बनाई कि पिछले महीने आपका ये इंफॉर्मेशन थी इस महीने की इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर ये ये चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं ये फिगर्स में कुछ डेविएशन ज़्यादा हैं सो इट्स बेटर कि आप इन पर वर्किंग करो और इनको ठीक करो ठीक है तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी को इनपुट्स अपने देता है और वो ठीक करवाता है वो ऐसा नहीं है कि बस वो इनपुट देता है दैट्स इट कंपनी करे ना करे ऐसा कुछ नहीं होता इट्स हिज ड्यूटी कि वो अपनी जो भी फाइंडिंग है वो कंपनी को बताए और कंपनी को ठीक करवाए ताकि कंपनी और अच्छे से इंप्रूव करे जैसा मैंने बताया इंटरनल ऑडिटर इज लाइक एन इंप्लॉय ऑफ द कंपनी सो कंपनी मस्ट क्रिएट अ अस्ट्रॉग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वी नो दैट हाउवर इट इज नॉट सफिशियंट टू सिंपली हैव मैकेनिज्म इन प्लेस टू मैनेज द बिजनेस The effectiveness of इफेक्टिवनेस ऑफ must be मस्ट बी रेगुलरली systems ऑल some नीड the मॉनिटरिंग एंड फीडबैक हर सिस्टम को एक मॉनिटरिंग और फीडबैक चाहिए होता है हम इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं इफ आई एम डूइंग द बिजनेस तो मैं बिजनेस पे भी ध्यान दूं, जो मेरे कंट्रोल्स हैं जो मेरी रेगुलर चीजें चल रही हैं, उस पर भी ध्यान दूं, उन ऑपरेशन पे भी ध्यान दूं, कमियां ठीक कर आई कान डू ऑल द थिंग्स अलोन तो या तो मैं मैनेजर रखूंगा उस पार्ट के लिए तो मैं मैनेजर रखने की बजाय मैं एक काम करूँगा मैं एक इंटरनल ऑडिटर रख दूंगा एक तो वो क्वालिफाइड होगा और वो पर्सन वो सारी चीजें ठीक भी करा देगा सो दैट इज इंटरनल ऑडिटर सो दिस इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट हैविंग एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ट प्रैक्टिस इट्स जनरली नॉट ऑलवेज इट्स जनरली कंसिडर टू बी बेस्ट प्रैक्टिस बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरनल ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ एक्सटर्नल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट जो हमने पढ़ा था दैट इज रिक्वायर्ड बट इंटरनल ऑडिट इज नॉट दिस अलाउ फ्लेक्सीबिलिटी इन अ वे द इंटरनल ऑडिट स्टैब्लिशमेंट टू सूट द नीड्स ऑफ द बिजनेस की अपने अकॉर्डिंग हर बिजनेस अपने टाइप का इंटरनल ऑडिटर रख सकते हैं इन स्मॉल और ओनर मैनेज बिजनेस जो छोटे बिजनेस होते हैं देयर इज अनलाइकली टू बी एनी नीड फॉर इंटरनल ऑडिट क्यों अगर छोटा बिजनेस है स्मॉल बिजनेस है वहां तो ओनर ही सारी चीजों पे ध्यान रख सकता है ओनर है गिने चुने उसके अंडर लेट से पांच छः इंप्लाइज है छोटा सा बिजनेस है जैसे एक नॉर्मल शॉप है इसको क्या करना है इंटरनल ऑडिटर रख के कि वो सारी चीजें चेक करेगा वो तो खुद भी कर सकता है सारी चीजें

ताकि जितने भी यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट उनकी डिमांड पूरी हो अगर मैंने ऑडिट ही अच्छे से नहीं करा कुछ गड़बड़ कर दी ऑडिट में तो क्या होगा तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या बोलेंगे भाई हमने बिजनेस में पैसे लगाए या हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्टेड है और फिर भी बिज़नेस काम ठीक नहीं कर रहा तो ये तो गड़बड़ है तो हमें उनको भी खुश रखना है कैसे रख सकते हैं कि हमारा बिज़नेस अच्छे से परफॉर्म करे दैट्स वाई इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल ऑडिटर लिए होता है एक्सटर्नल ऑडिट होता है ताकि जो काम उन्होंने पूरा साल करा है उस पर चेक हो जाए कि वो ठीक किया है कि नहीं करा वो एक्सटर्नल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स वो एक्सटर्नल ऑडिटर कर एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं कि ज़रा हम भी तो देखें कि जो कंपनी में डायरेक्टर्स ने काम किया है वो सही करा है कि नहीं करा और इंटरनल ऑडिटर क्या होता है कि कंपनी अपना ही एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करता है जो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करता है कि ये सब ठीक हैं कि नहीं तो देखा जाए बोथ वर्क जो एक्सटर्नल ऑडिट किया और जो इंटरनल ऑडिट हुआ बोथ कैन बी डन बाय अ क्वालिफाइड सी ए तो अगर इंटरनल ऑडिट हम करा रहे हैं दैट मीन्स इस कंपनी के अंदर कमियों के चांसेस बहुत कम है अच्छे से काम चल रहा होगा सो द नीड ऑफ इंटरनल ऑडिट आई ए देर फोर विल डिपेंड ऑन कि इंटरनल ऑडिट कराना है या नहीं कराना दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स फर्स्ट इज स्केल एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज अगर हमारा बिज़नेस बहुत लार्ज स्केल बिज़नेस है बहुत टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी हैं देन हमें इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि सारे कंट्रोल्स बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स होंगे और हम सारे कंट्रोल्स पे ध्यान नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन हैं और अगर स्केल बहुत छोटा है या एक्टिविटीज़ एक ही एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल की ज़रूरत इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन The more complex the operation is, the greater benefit obtained from having internal फंक्शन function is there as there is greater risk of things going wrong. जितना हमारा ज्यादा zyada ऑपरेशन होगा hoga wahan इंटरनल कंट्रोल की जरूरत ज्यादा होगी सिंपल simple operations hai wahan इंटरनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है एक बार bar सारी चीजें का इस पढ़ भी लेना ऐसा नहीं है बस मैंने समझा दिया ठीक है जस्ट रीड them once, मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूं थर्ड होता है नंबर ऑफ इंप्लॉय अब तुम कहोगे सर नंबर ऑफ इंप्लॉय से क्या फर्क पड़ता है इंटरनल ऑडिट में पड़ता है अगर नंबर ऑफ इंप्लॉयज बहुत ज्यादा है कंपनी के दैट वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पे इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मतलब नॉट बाय लॉ बट इट 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 शुड बी डन और अगर हमारे इंप्लॉयज कम है नंबर ऑफ इंप्लॉयज कम है हमारे तो यहाँ पे ये फ्रॉड वगैरह तो कर ही नहीं सकते मिसस्टेटमेंट तो होगी नहीं तो यहां इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं है देन इज कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन अब कॉस्ट बेनिफिट कंसिड्रेशन बेसिकली क्या होता है ये हमने पहले भी काफी बार पढ़ा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं हमने कोई भी काम करा उस काम से जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काम करा जिसके लिए आई पेड टेन थाउजेंड डॉलर मैंने टेन थाउजेंड डॉलर दे एक काम करवाया एंड वॉट हैपन वॉज कि इसका जो रिजल्ट हुआ इट गेव मी बेनिफिट ऑफ सिक्स थाउजेंड डॉलर मैंने टेन थाउजेंड डॉलर दे काम कराया एंड इट गेव बेनिफिट ऑफ सिक्स थाउजेंड डॉलर दिस इज केस नंबर ए तो first case क्या था? मैंने दे के, मैंने एक assignment कराई, एक audit कराया और audit करा के मेरी कुछ थी जो ठीक हुई, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ सिक्स थाउजेंडर तो वॉट आई से ये जो मैंने audit कराया है, दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव क्यों टेन थाउजेंड खर्चा करके मुझे सिक्स थाउजेंड बेनिफिट हुआ है तो मैं नहीं करता कम से कम अगर ये नहीं करता तो सिक्स थाउजेंड का ही नुकसान होता ना यहाँ तो दस हज़ार का नुकसान हो गया सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया लेकिन टेन थाउजेंड खर्चा करके मुझे फिफ्टीन थाउजेंड का बेनिफिट हो गया दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ है फ़ायदा हुआ है दस हज़ार खर्चा करके मुझे पंद्रह हज़ार का फायदा हुआ है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट कंसिड्रेशन इट इज वर्थ बाइल इस्टिशिंग दैट एन इंटरनल ऑइट फंक्शन इफ द बेनिफिट आउटवेट्स द कॉस्ट अगर बेनिफिट जो हमें इंटरनल ऑइट से मिल रहा है वो ज्यादा है और कॉस्ट कम है तभी इसका फायदा है अगर बेनिफिट ही कम है इसके बेनिफिट कुछ होना ही नहीं है वैसे ही टाइम पास के लिए करा रहे हैं हम पैसे खर्च रहे तो उस इंटरनेट का कोई भी फायदा नहीं है उसके बाद आता है द डिजायर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू हैव अश्योरेंस एंड एडवाइस ऑन रिस्क एंड कंट्रोल्स द डायरेक्टर मे विश टू हैव द दंफर्ट दैट देयर इज ऑन गोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशन टू हेल्प देम डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि या तो इट्स इट डिपेंड्स अपॉन दी सीनियर मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स अगर डायरेक्टर्स ये बोल सकते हैं कि भाई जो तुम मैनेजमेंट हो सीनियर मैनेजमेंट तुम अपने काम पे फोकस करो तुम ऑडिट पे या फिर जो कंट्रोल है कंट्रोल वगैरह पे ध्यान ना दो कि वो ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे उसके लिए हम एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो बिज़नेस को ग्रो करने पे ध्यान दो जो भी इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग आई है उसको उससे बिज़नेस और अच्छा करो हम इंटरनल ऑडिटर रख लेंगे दैट मीन्स तुम फ्री हो जाओ इन सब चीजों से तुम अपने काम पे फोकस करो दिस इज डिज़ायर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स और लास्ट इज द करंट कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड वेदर देर इज अ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड और कंट्रोल डेफिशियंसिस अगर तो पहले कोई फ्रॉड की हिस्ट्री नहीं है कंपनी की बहुत अच्छे से काम चल रहा है कोई डेफिशिएंसी नहीं होती कंपनी में तो इन दैट केस हम ठीक है इंटरनल ऑडिट को स्किप कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट नहीं कराते क्योंकि कंपनी में आज तक फ्रॉड ही नहीं हुआ कभी अच्छे से काम चल रहा है लेकिन अगर कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे है, बहुत हैं, बहुत डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल में भी तो उस केस में हमें ऑडिट कराना पड़ेगा नॉट मैंडेटरी बट फॉर अ गुड बिजनेस हमें ये कराना पड़ेगा इफ इट इज सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी टू इस्टिश इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड सो इंटरनल ऑडिट बेसिकली हमें क्या समझ आया क्या होता है कि कंपनी अपने अंदर ही एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है जो कंपनी की सारी बुक्स का या सारी वर्किंग का सारे कंट्रोल का सब कुछ खुद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है ये ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है ये कंप ये पढ़ेंगे हम सारा अभी इस चैप्टर में कंपनी के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें देखता है कंपनी में जो जहाँ प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चर हो रहे हैं वहाँ जाके देख रहा है कि कुछ वेस्टेज तो नहीं ज़्यादा हो रही लोगों पे ध्यान रखता है कि कोई बंदा वेला तो नहीं बैठा जिसको हम फालतू पैसे दे रहे हैं सो लॉट ऑफ थिंग्स आर डन बाय द इंटरनल ऑडिटर तो इंटरनल ऑडिटर चेक करता है ये सारी चीजें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है और उसके बाद ये सारी चीजों का क्रक्स बता के इनको ठीक करवाता है अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट ये चीज आई थिंक तुम सबको अभी तक पता चल गई होगी हमने काफी बार ये चीज पहले भी पढ़ी है और यहां पे भी मैंने तुम्हें क्रक्स समझा दिया था सो दिस इज एक्सटर्नल ऑडिट दिस इज़ इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिंपल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दैट इज़ वो अपनी ओपिनियन देता है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दैट्स इट यही काम होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का वो कंपनी की वर्किंग मैनेजमेंट वगैरह पे कोई भी ध्यान नहीं देता सिर्फ बुक्स पे ध्यान होता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंटरनल ऑडिटर का काम होता है टू इंप्रूव कंपनीज ऑपरेशन बाय रिव्यूइंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि कंट्रोल कैसे चल रहे हैं उसको देख के समझ के उसको ठीक कराना रिपोर्टिंग एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर को क्योंकि शेयर होल्डर से अपॉइंट होते हैं इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को और दो चार्ज विद दी गवर्नेंस एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको अपॉइंट किया होता है एज द ऑडिटर अभी मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट जो एक्सटर्नल ऑर्डर की रिपोर्ट होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है दैट मीन्स इट इज अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी इट इज़ अपलोडेड ऑन दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है कोई भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं लेकिन जो इंटरनल ऑर्डर की रिपोर्ट होती है वो पब्लिकली

और बाकी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या चाहती है इंटरनल से कराना इट होल्डर और इंटरनल एंड सेम वो ही उसको निकाल सकते हैं इसका शेयर होल्डर से कोई लिंक नहीं है तो कंपनी खुद अपने अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपने लिए अपॉइंट करा रहे हैं रिलेशनशिप विद विद कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ दर्नल ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है इंटरनल ऑडिटर में भी वो इंप्लॉय भी हो सकता है जिसको कंपनी के बारे में बहुत नॉलेज है वो काफी टाइम से कंपनी में काम कर रहा है तो ही हैज गुड नॉलेज ऑफ द कंपनी ही कैन ऑल्सो बी द इंटरनल ऑडिटर इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इंटरनल ऑडिटर हमेशा ए सी सी ए और इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए अगर एक कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉयज है जिस इम्प्लॉय को कंपनी की बहुत नॉलेज है उसने कंपनी की बहुत फ्रॉड्स पकड़े हैं कंपनी की बहुत हेल्प की है अब वो रिटायर हो चुके हैं तो कंपनी हो सकता है उस इम्प्लॉय को बोले कि आप आके कुछ काम ना करो सिर्फ आप इंटरनल वर्ट करो कंपनी का क्योंकि आपको कंपनी की बहुत डिटेल नॉलेज है दैट कैन ऑल्सो बी डन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इंटरनल ऑलिटर शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय हाँ बस यहाँ पे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है का उस और इंटरनल ऑलिटर की और आउटसोर्स फंक्शन विद एन एनहेंसेज इंडिपेंडेंस या फिर हम किसी बाहर वाले बंदे को जो इंटरनल ऑडिट बहुत सारी कंपनीज होती हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ए सी सी ए फर्म है ए सी सी ए फर्म का काम सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होता वो इंटरनल ऑडिट भी करती है तो मैंने किसी अलग ए सी सी ए फॉर्म से टाइप किया हुआ है कि आप मेरी कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर दो बिकॉज आप बहुत एक्सपीरियंस हो आपको इस टाइप के बिजनेस की बहुत नॉलेज है आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो दैट इज लाइक एन आउटसोर्स फंक्शन तो ये होता है हमारा इट्स शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट इसको अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो इंटरनल ऑडिटर बेसिकली इंटरनल ऑडिटर क्या क्या काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सारे काम इंटरनल ऑडिटर को करने होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कि कंपनी अपने इंटरनल ऑडिटर से कौन सा काम करवाना चाहती है सो द की एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑन गाइस डायरेक्ट चीज तुम्हें हो सकता है मेरी राइटिंग इतनी आज ठीक ना लगे इट्स नॉट लाइक कि मेरा हाथ टूटा हुआ इट्स लाइक like कि यहाँ पे बहुत ठंड होनी शुरू हो गई है चंडीगढ़ में काफ़ी ठंड हो गई है टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है आई I मीन mean, नाइन एट सेवन डिग्रीज तक रहता है तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडे में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ठीक है चलो एनी सो द की एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन आर पहला ये सिंपल बस एक बार रीड करना है इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो होगा मैं समझा दूंगा

जो स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टेक होल्डर्स कंपनी के वो क्या चाहते हैं कि कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे कंपनी टाइमली अपने ड्यूज़ पे कर दे कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हो कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो तो सब कुछ बेसिकली इसमें कवर हो जाता है इवेल्यूएटिंग द कंपनीज रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस कि कंपनी कि किस तरह से रिस्क आइडेंटिफाई कर रही है और क्या वो सही तरीका है कि नहीं या कंपनी को और ज़्यादा डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि और भी रिस्क हो सकता है टेस्टिंग दी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जितने भी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स हैं लगे हुए हैं उन सबको टेस्ट करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फोर्थ असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन कि ये भी एक इंटरनल ऑर्डर का काम होता है कि जो भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन वो सारी ठीक हैं कि नहीं असेसिंग दी रिलायबिलिटी के उन पर रिलाई किया जा सकता है नहीं किया जा सकता या उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं है असेसिंग दी इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वैल्यू फॉर मनी कि जो भी बिजनेस काम कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रही है वो कितनी इकोनॉमिकल है कितनी जल्दी हो रही है कितनी वेस्टेज उसमें कम हो रही है ये चीज़ चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसमें एक्सपेंसिस ज़्यादा आ रहे हैं हमारे और प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा तो असेसिंग द इकोनमी एफिशेंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस दैन नेक्स्ट आता है असेसिंग कम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा असेसिंग कम्पलायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन कि जिस भी कंट्री में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के जो लॉज हैं काफ़ी सारे लॉज होते हैं जैसे जी हो गया इनकम टैक्स हो गया इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं कि क्या सारे लॉज एंड रेगुलेशन कंपनी पूरे कर रही है कि नहीं कर रही उसने करवाने नहीं है ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही विल नॉट डू इन इंटरनल वॉटर वो ये चेक करेगा असेस करेगा कि कंप्लायंस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा ही इज नॉट बी वन हु वर्किंग ऑन दिस ही जस्ट बी गाइडिंग वो एक गाइडिंग बंदा है ठीक है और लास्ट प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन ऑन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि आपकी कंपनी में किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं जो आप प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकते हो मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन बी सीन एज हेल्पिंग मैनेजमेंट कंप्लाई विथ कॉरपोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया था कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मोस्टली हमारी यहीं पे कवर हो जाती है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की बातें करना मतलब हर चीज फुलफिल होनी चाहिए ठीक है सो दीज आर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस अब उसके अलावा एडिशनल रोल क्या हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर का कि उससे और क्या क्या काम कराया जा सकता है रादर देन दी वन मेंब फर्स्ट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कि अभी तक तो हमने सिर्फ उसे असेस कराया था कि हमारा सिस्टम ठीक है कि नहीं कि हम फ्रॉड डिटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं बट यहाँ पर हम उससे करा रहे हैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कि उसको हम बोलेंगे कि तू डिटेक्ट कर क्या फ्रॉड है हमें बता और उसको ठीक करवा सो दिस में इन्वॉल्व डिटेक्टिंग फ्रॉड आइडेंटिफाई दी परपैट्रेटर ऑफ फ्रॉड मतलब किसने वो फ्रॉड करा है क्वांटिफाइंग दी लॉस ऑफ कंपनी एज रिजल्ट ऑफ द फ्रॉड के अब तेरे को फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्शन में आ गया इन्वेस्टिगेट कर डिटेक्ट कर और बता ये फ्रॉड किसने की है ये भी इंटरनल ऑर्टर को बोला जा सकता है जैसे मैंने यहाँ बताया था कि इंटरनल ऑर्टर कोई काम नहीं करता वो सिर्फ गाइड करता है एडिशनल रोल में होता है कि हम उससे ये काम करवा सकते हैं उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम तो ये काम करोगे क्योंकि अगर तुम तुमको पता है कि ये फ्रॉड हो सकते हैं दैट मीन्स विल बी गुड इन इन्वेस्टिगेटिंग दोज फ्रॉड्स इज़ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आई सिस्टम रिव्यू आई सिस्टम रिव्यू क्या होता है कि इंटरनल ऑर्डर को बोला जाता है कि आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल इसका उसको बोला जाता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में आप उनका ऑडिट करो चेक करो कि कंप्यूटर के सारे हमारे रैम्स प्रॉपर है कि नहीं इसका सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रही सब में है एंटी वायरस अब इंस्टॉल है कि नहीं और किसी के अंदर कोई किसी का पर्सनल स्टफ कोई कुकीज़ या कोई ऐसी कुछ उल्टे सीधे चीज़ें तो नहीं है जो हैकेबल हैं ठीक है सिस्टम में जो भी हमने जब सिस्टम लगाया था तो उसका एक डिटेल होती है कि इतने जीबी रैम है इतनी हार्ड डिस्क है वो सब कुछ है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्प्लॉय उठा के ले गया दोज़ आर लाइक आईटी सिस्टम रिव्यूज़ कि जितने भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी कंप्यूटर्स लैंस सब कुछ उसका आप करो और ये भी एक इंटरनल ऑडिटर

ठीक है होंडा कार सेल करती है ये सोचो एक गाड़ी है आज ड्राइंग थोड़ी अच्छी बन गई हाँ लग रही है कार सोचो ये कार है होंडा की ठीक है अब होंडा जो कंपनी है इसके बहुत सारे डीलर्स हैं लेट्स से मैं आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ इंडिया चंडीगढ़ इंडिया तो चंडीगढ़ में होंडा के चार डिफरेंट डीलर्स हैं ठीक है थीके? ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने खुद करा हुआ है चंडीगढ़ में होन्डा के चार डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डीलर्स हैं जो होंडा कार सेल करते हैं चंडीगढ़ चंडीगढ़ में अब पॉइंट इज़ हम इन चारों के पास एक पर्टिकुलर अपना एरिया है कि ये कंपनी ने अगर चार डीलर्स को ये दिया है क्यों दिया होगा कि ये वाला जो एरिया चंडीगढ़ का है वो ये डीलर कवर करेगा ये एरिया ये कवर करेगा ये एरिया ये कवर करेगा ये एरिया ये कवर करेगा हो सकता है ठीक है ना क्योंकि ऑफ ऑफकोर्स ये गाड़ी डीलर बहुत दूर है अगर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे है तो लोग शायद इतनी दूर ना जा पाए तो इसीलिए कंपनी ने चार डीलर्स को अपॉइंट किया कि आप इस इस एरिया के कार्स में सेल करोगे और कंपनी ने इनको जितने भी ऑफर्स हैं वो सबको बिल्कुल सेम ऑफर्स दिए और कंपनी को हमेशा सेम ऑफर्स ही देने पड़ेंगे क्यों वो मैं बताता हूँ ये कंपनी ने बोला जब भी कोई बंदा ये गाड़ी लेता है मैक्सिमम डिस्काउंट आप इतना दे सकते हो आप ये एक्सेसरीज दे सकते हो वो सब कुछ कंपनी ने चारों को रिटर्न में दे दिया आपको यही करना है अब हुआ ये कि ये वाला जो डीलर था ये थोड़ा सा निकला तेज तेज मतलब चालू तो ये निकला तेज इसने क्या किया इसने बोला कि कोई बात नहीं मैं प्रॉफिट कम कमा लूंगा लेकिन इसने क्या किया इसने एडिशनल डिस्काउंट देने शुरू कर दिए इसने बोला कि एक्सेसरीज फ्री लगा दूंगा मैं आपको सारी की सारी मैं आपको नॉर्मल डीलर से ज़्यादा मैं आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और डिस्काउंट दे दूंगा वगैरह वगैरह इसने ऐसे एडिशनल डिस्काउंट देने शुरू कर दिए जो ना कंपनी ने ऑथोराइज किया था जो इन्होंने कहा था जो कि गलत भी नहीं है क्यों क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कम कर रहा है उसको अपनी हर बिजनेस को अगर सेल बढ़ानी है तो वो अपने प्रॉफिट कम करके सेल बढ़ा सकता है इसने भी ये काम किया बट टेक्निकली देखा जाए इस चीज़ से क्या हुआ कि जो एरिया इसके पास आता था यहाँ के लोगों ने भी यहाँ जाना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों ने भी यहाँ जाना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों ने भी यहाँ जाना शुरू कर दिया क्यों क्योंकि एक होंडा वाला मुझे लेट्स एक कार दे रहा है टेन लाख की इंडियन रुपीज़ में टेन लाख की और सेम थोड़ा सा दूर जाके सेम बंदा सेम सिटी के अंदर मुझे कार दे रहे नाइन पॉइंट फाइव लाख की तो मैं तो यहीं से कार लूंगा तो इससे क्या हुआ इसकी सेल्स तो बढ़ गई लेकिन इनकी सेल्स कम हो गई और इनकी सेल्स कम हो गई दैट मीन इनकी कार सारी सारी खराब होगी तो होन्डा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चाहेगी कोई भी कंपनी ऐसी चीज़ नहीं चाहेगी कि उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर की कार खराब हो क्योंकि कार तो होंडा की है ना होंडा का नाम खराब होता है तो होन्डा ने बहुत सारी कंपनीज ने बहुत स्ट्रिक्ट टूल रखा हुआ है कि कोई भी डीलर अपना एडिशनल डिस्काउंट इससे ज़्यादा नहीं दे सकता एक बहुत लिमिट बता दिया कि अपना प्रॉफिट कम करके वो मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकता है इससे ज़्यादा नहीं दे सकता तो मिस्ट्री शॉपर विजिट क्या होता है अब मिस्ट्री शॉपर विजिट क्या होता है अगर होंडा का बंदा लेट से ये होंडा का बंदा है जस्ट वैसे ही ये इसमें गया चेक करने के लिए कि क्या ये सच्ची में ऐसा काम कर रहे हैं इन्होंने तो होंडा को बोला नहीं हम नहीं ऐसा काम कर रहे हम नहीं कोई एडिशनल डिस्काउंट देते ये थोड़ी बताएंगे हम देते वो तो जब कस्टमर गाड़ी लेने वाला होता है वहाँ पर उसको बता के अट्रैक्ट कर लेते हैं तो होंडा का बंदा यहाँ पर गया उसको इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं दे रहे हमारा वही डिस्काउंट है और होंडा वाला वापस आ गया क्योंकि तो सारे यही बोलेंगे कि नहीं जी हम तो कोई एडिशनल डिस्काउंट देते नहीं है अब मिस्ट्री ऑडिटर क्या होता है मिस्ट्री ऑडिटर एक पर्सन होता है जैसे एक ए को होंडा ने हायर किया होंडा ने एक ए हायर किया ये सिर्फ होंडा को पता है इनको किसी को नहीं पता ये इधर गया एज अ नॉर्मल कस्टमर ये नॉर्मल कस्टमर बनकर यहां पे गया कि मुझे होंडा की कार लेनी है बिल्कुल एंड तक जहां पे डील फाइनल होगी वहां तक सब कुछ इसको सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपने लेके गया होंडा वालों ने सब कुछ इसको प्रोवाइड किया बिल्कुल जहां डील फाइनल होने वाली थी वहां पर एडिशनल डिस्काउंट इसने मांगा और इस डीलर ने एडिशनल डिस्काउंट दे दिया दैट्स वॉट वी कॉल अ मिस्ट्री शॉपर विद कि इसने मिस्ट्री ऑडिट किया और ऑडिट करके इसको पता चला कि हां ये एडिशनल डिस्काउंट देता है तो होंडा वालों ने इसकी डीलरशिप ही कैंसिल कर दी कि तेरे को आगे से कार्डिया नहीं दे क्योंकि नॉर्मली तो ये कभी नहीं बताएगा मैं ऐसे एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूं क्योंकि डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी तो दिस इज कॉल्ड मिस्ट्री शॉपर विजिट्स तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो फॉर रिटेल एंड सर्विस कंपनीज द इंटरनल ऑडिट स्टाफ कैन पोज एज कस्टमर टू एंश्योर दैट कस्टमर सर्विस इट एट रिक्वायर्ड बहुत सारी कंपनीज़ बहुत सारे मिस्ट्री ऑडिट कराती हैं टू सी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कैसा चल रहा है ठीक है कि नहीं है है ठीक सो दिस इज हमारा मिस्ट्री शॉपर्स विजिट आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया हो देन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट अब कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट क्या होता है मेकिंग श्योर दैट वेदर मेटीरियल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कंपनी एंटर कर रही है किसी के साथ भी आर रिटर्न

कि हमने एक एसेट रजिस्टर बनाया था कि ये कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है बहुत इसके एसेट्स हैं बहुत सारे मशीनरी प्लांट इसके बिल्डिंग्स इसके कंप्यूटर्स ऑफिस फर्नीचर बहुत सारे एसेट्स हैं उसका एक है हमारे पास एसेट रजिस्टर जिसके अंदर सारे एसेट्स की परचेज डेट कितनी क्वांटिटी वो सब कुछ लिखा हुआ है तो एक इंटरनल ऑर्डर को क्या बोला जा सकता है कि आप इन सारे एसेट्स को वेरीफाई करो चेक करो कि क्या एक्चुअली में फैक्ट्री में ये वाला एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ऐसा तो नहीं है कि कोई वर्कर वर्कर छोटे छोटे एसेट्स हमारे कंपनी के ले गए जैसे कंपनी की वेइंग मशीन थी या कंपनी की और छोटी छोटी चीज़ें थी एसेट रजिस्टर में तो लिखा हुआ है लेकिन कंपनी में कहीं है ही नहीं वो सारे लेबर उठा के लेगी तो दैट इज कॉल्ड एसेट वेरीफिकेशन मैंने भी एसेट वेरीफिकेशन एक काम करा हुआ है चलो एल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने एसेट वेरीफिकेशन का करा हुआ है अब तुम्हें पता होगा जैसे पेप्सी होती है पेप्सी या कोक तुमने बहुत सारी शॉप्स पे देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पे कि पेप्सी और कोक के फ्रिज होते हैं है ना जिसपे लिखा होता है पेप्सी और कोक है ना सबने देखे बहुत सारी जो जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं काफ़ी शॉप में ये पेप्सी के फ्रिजिज होते हैं अब ये जो फ्रिज होते हैं पेप्सी के क्या ये जो दुकानदार है वो पेप्सी से परचेज करते हैं नहीं दे डू नॉट परचेज दिस फ्रॉम पेप्सी पेप्सी वाले उनको ये फ्रिज बहुत ही लो रेंट पे देते हैं बहुत ही लो रेंट पे कई बार तो फ्री भी देते हैं कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप हमारा फ्रिज रखो इसके अंदर सारी पेप्सी की बॉटल रखो उससे क्या होगा कि पेप्सी की बॉटल रखी होगी एक तो पेप्सी की एडवर्टीजमेंट हो रही है कि तुम जैसे ही शॉप पर गए सामने पैप्सी का फ्रिज दिखा पैप्सी की बॉटल दिखी तो दिस इज एडवर्टीजमेंट ऑल्सो है ना तो एडवर्टीजमेंट हो रही है और इसके साथ साथ कंपनी की पेप्सी भी बिक रही है एडवर्टीजमेंट भी हो रही है और माल सेल भी हो रहा है जिसको पसंद आया अगर तुम देखो बहुत अच्छा पेप्सी का फ्रिज है बहुत डिजाइनर फ्रिज है और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइन से पेप्सी रखी हुई है तुम जाके एक आधी तो ले लोगे मन ललचा जाता है तो, तो दैट इज एडवर्टीज़मेंट तो बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं या डीलर जो जैसे रिटेल शॉप्स वाले होते हैं उनके पास ऐसे फ्रिज होते हैं अब ये जो फ्रिज हैं जैसे कि मैंने बताया था दीज आर नॉट ओन्ड बाय द रिटेलर दीज आर ओन्ड बाय द कंपनी कंपनी के फ्रिज होते हैं ये डीलर के रिटेलर के नहीं होते ठीक है कंपनी ने सिर्फ इनको दिया होता है कि तुम यूज़ करो ये फ्रिज और इसके अंदर पेप्सी की बॉटल रखो ताकि हमारी भी एडवर्टीजमेंट हो जाए और चीज़ बिक भी जाए ठीक है ना अब पॉइंट क्या होता है अब ये सारे एसेट्स किसके हैं पेप्सी के तो पेप्सी वालों ने हमें अपॉइंट किया था जब मैं वन वे वर्किंग अंडर अ सी तो हम मेरे सी को अपॉइंट किया था कि इस एरिया के जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे नॉर्थ रीजन के नॉर्थ रीजन के जितने भी फ्रिज हमारे हैं हमारे पास एक लिस्ट है कि ये वाला फ्रिज नंबर इस एड्रेस पे है ये वाला फ्रिज नंबर इस एड्रेस पे ये वाला फ्रिज नंबर इस एड्रेस पे है आपको हर एक में जाके ये वेरीफाई करना है कि फ्रिज वहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता दूसरा इस फ्रिज की वर्किंग कंडीशन क्या है इस फ्रिज की एक पिक्चर लेनी है आपको और चौथा इस फ्रिज के अंदर जो भी सामान है कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने पेप्सी की फ्रिज के अंदर कोक रखी है कोक की फ्रिज के अंदर पेप्सी रखी हुई है या बंदे ने कुछ अपना सामान रखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको हर दुकान पर जाके चेक करनी है तो वी गॉट दिस ऑडिट तो हमने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे हमारे हम सब ने जा जा कर जितनी भी डिटेल्स थी सारी शॉप्स पर जा जाकर पिक्चर ली नंबर वेरीफाई किया फ्रिज का फ्रिज की कंडीशन देखी सब कुछ करके हमने एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दी थी रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी क्योंकि ऑफ़ ऑफकोर्स जो जो ओके okay थे वो ओके okay, जिनमें कुछ गड़बड़ थी उनमें गड़बड़ थी ठीक है सो दिस इज कॉल्ड लाइक वेरिफिकेशन ठीक है उसके बाद लास्ट होता है प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं उनके अब एक और फंक्शन होता है कि उन्होंने जो भी काम करा है दे कैन असिस्ट दी एक्सटर्नल ऑडिटर उन्होंने जो भी काम करा है सो दैट एक्सटर्नल ऑडिटर इनके काम की हेल्प लेके

और उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल ऑडिटर है उसको ना ACCA ए है ना ग्रेजुएट है वैसे कोई बंदा पकड़ लिया नॉट लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो दैट इट बी इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपने व्यूज जो होंगे वो इंडिपेंडेंट व्यूज देगा आगे आता है द चीफ इंटरनल ऑडिटर शुड भी अपॉइंटेड बाई दी टू रिड्यूस मैनेजमेंट बायस कि ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करना चाहिए द डिपार्टमेंट शुड हैव नो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस थ्रेड टू सेल्फ रिव्यू इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम्हें अपना काम खुद चेक करके जितना भी तुमने काम करा है उसको ठीक करो ताकि तुम्हारी उसमें फ्रॉड ना हो उनको ये बोला जाता है कि तुम अपना काम करो कोई बात नहीं इंटरनल ऑडिटर है वो सारा चेक कर लेगा कि तुमने काम ठीक किया कि नहीं की डिपार्टमेंट शुड हैव नो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जो भी उन्होंने काम करा है उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ सेल्फ रिव्यू कि सेल्फ रिव्यू तुम करके अपनी कमियां देखो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो द ऑडिट कमेटी शुड सेट द प्लान ऑफ वर्क एक प्लान ऑफ एक्शन प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए तभी एक इंटरनल अच्छा होगा देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ देयर वर्क दैट इज फुल एक्सेस टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑल्टर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती देनी चाहिए कि आप ये चीज मत करना ये करना पूरा एक्सेस उसको देना चाहिए अगर एक्सेस नहीं देंगे दैट मीन वो अपनी रिपोर्ट अपना अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाएगा अब लिमिटेशंस क्या होती हैं इंटरनल ऑडिट की इसके क्या नुकसान होते हैं तो पहला इंटरनल ऑडिटर मे बी इंप्लॉयज़ ऑफ द कंपनी तो इससे क्या हो जाता है वायसनेस आ जाती है इंटरनल ऑडिज मे बी इंप्लॉयज ऑफ द कंपनी दे आर रिपोर्टिंग ऑन एंड देयर फोर नॉट विश टू रेज इशूज इन केस दे लूज देयर जॉब अगर इंटरनल ऑडिटर कंपनी का इंप्लॉयी है तो वो अगर इंटरनल ऑडिटर है तो वो जैसे मान लो कि मैनेजमेंट में किसी एक पर्सन ने जो पे रोल का बनता है पे रोल मतलब जो सारा सैलरीज इंप्लॉयज हायरिंग वगैरह का ध्यान रखता है इसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया तो अगर कंपनी का एम्प्लॉय है इंटरनल ऑडिटर तो वो डरेगा कि अगर इसने इस बंदे के अगेंस्ट कोई एक्शन uh, लेना चाहा या इस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेट डाली मैनेजमेंट को तो ये बंदा इसको जॉब से निकाल देगा क्योंकि ये सारा पेरोल का ध्यान रखता है और ये बहुत सीनियर आदमी है कंपनी में तो ये एक डर होता है इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिटर मे बी मैनेज एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन दे विल बी देर फोर द इफेक्टिवनेस ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विच दे फॉर्म अ पार्ट और मे रिलेटेड टू से देयर डिपार्टमेंट हैज़ डेफिशिएंसीज मतलब जो छोट ये भी एक तरह से ऊपर वाला पॉइंट ही है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें मोस्टली जो इंटरनल ऑर्डर का काम होता है वो फाइनेंस फंक्शन होता है कि कंपनी की फाइनेंस चेक करना लोन्स हो गया कंपनी की बैलेंस शीट्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ का चेक करने का ऑडिट होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता क्योंकि ऑपरेशंस इतने है ही नहीं छोटा काम है तो क्या होगा तो वहाँ पे भी उसको टेंशन होती है कि अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर बात आ जाए इफ़ इंटरनल ऑडिट स्टाफ हैड वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पॉसिबली इन डिफरेंट डिपार्टमेंट देयर मे बी फेमिलियरिटी थ्रेड एज दे विल भी ऑडिटिंग वर्क फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग कलीग्स एंड फ्रेंड्स जैसे ये भी सेम ऊपर से लिंक्ड है कि अगर इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय है और कंपनी में एक बहुत तगड़ा फ्रॉड निकला जैसे कंपनी में ये तीन बंदे अभी काम कर रहे हैं इनको 20 साल हो गए कंपनी में और एक बंदा था इसलिए 25 साल से काम कर रहा था तो 20 साल से इन ये पर्सन इनके साथ ही था अब इसको जब इंटरनल ऑलिटर अपॉइंट किया कंपनी का तो इसने देखा कि इस पर्सन ने कोई फ्रॉड कर दिया तो हो सकता है ये पर्सन इसके अगेंस्ट फ्रॉड ना डिटेक्ट करे कि यार भला आदमी है कोई दिक्कत नहीं बीस साल हो गए कंपनी में कोई छोटा मोटा काम कर लिया गलती मार दिया अपनी कोई बात नहीं छोड़ो इसको क्या बताना तो ये ताकि अपनी फ्रेंडशिप ना ख़त्म हो इसके लिए भी इंटरनल ऑलिटर इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है

रिव्यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय मैनेजर इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन अंडर स्क्रूटनी जितना भी रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय मैनेजर आई थिंक लाइन थोड़ी गड़बड़ है रिव्यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय मैनेजर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन अंडर स्क्रूटनी इसको अभी छोड़ देते हैं मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रही है लाइन like, मैं इसको देख के पढ़ के देखता हूँ बाद में क्या होता है मैं तुम्हें ग्रुप में समझा दूंगा आउटसोर्सिंग दी इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू अ प्रोफेशनल थर्ड पार्टी अगर हम इंटरनल ऑडिट का काम किसी थर्ड पार्टी को कर दें तो दैट वुड बी गुड क्योंकि उसमें जो हमारी इंडिपेंडेंस है एक तो वो पूरी पूरी रहेगी क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो और जो थर्ड पार्टी है प्रोफेशनल है उसको बहुत नॉलेज है तो वो काम भी अच्छे से करेगी सो so, इस तरीके से हमारा एक इंटरनल ऑडिट अच्छा हो सकता है नेक्स्ट आता है आउटसोर्सिंग दी इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये हमने वैसे पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत कवर किया था कि अगर हम अपना इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंपनी आउटसोर्स कर देती है किसी थर्ड पार्टी को देन व्हाट हैपन्स सो इन कॉमन विद अदर एरियाज ऑफ कंपनीज ऑपरेशन द डायरेक्टर्स मे कंसिडर आउटसोर्सिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिप्रेजेंट्स बेटर वैल्यू देन इन हाउस डिपार्टमेंट ऑफकोर्स एक्सटर्नल पर्सन प्रोफेशनल होता है तो वो अपने अच्छी जजमेंट देगा आउटसोर्सिंग इज वेयर एन एक्सटर्नल कंपनी टू परफॉर्म इट्स इंटरनल ऑडिट सर्विस इंस्टेड ऑफ इम्प्लॉइंग इट्स ओन स्टाफ जैसा कि मैंने बताया था कि राधा देन अपना कोई इंप्लॉय को ऑडिटर बनाने के कंपनी एक प्रोफेशनल को बोलता है कि आप हमारा इंटरनल ऑडिट करो अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सो गाइस ये जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वैसे तो बहुत ज्यादा ही ईजी है तुम चाहो इसको खुद भी पढ़ सकते हो तो मैं एक बार तुम्हें वैसे भी पढ़ के बता देता हूं ठीक है सो वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ हायरिंग एंड आउटसोर्स या आउटसोर्सिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कि अगर हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन आउटसोर्स करते हैं थर्ड पार्टी को उससे हमें क्या फायदा होगा क्या एडवांटेज होंगे पहला प्रोफेशनल फॉर्म फॉलोज एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड शुड देयर फॉर बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट यस प्रोफेशनल फॉर्म शुड हैव क्वालिफाइड या

प्रोफेशनल फर्म्स कैन बी इंप्लॉयड ऑन अ फ्लेक्सिबल बेसिस दैट मीनस जितने टाइम हमें उन्हें हायर करना है कि ठीक है तुम तीन महीने ऑडिट करना और तीन महीने ऑडिट मत करना और अगले तीन महीने दोबारा से चेकिंग करना तो हम इनको फ्लेक्सिबल बेसिस पे रख सकते हैं अगर हम इम्प्लॉय होता तो इंप्लॉयी को तो फुल टाइम रखना पड़ता तो हमें हर महीने की उसको सैलरी देनी पड़ती ऐसा तो नहीं है ना इम्प्लॉय को बोलेंगे तीन महीने काम कर अब तीन महीने चला जाए हम सैलरी देंगे फिर तीन महीने काम कर इंप्लॉय के लिए ऐसा नहीं कर सकते बट प्रोफेशनल फॉर्म्स के लिए दिस इज़ फ्लेक्सीबल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ परमानेंट स्टाफ आर अवॉइडिड जैसे कि मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बच जाती है क्योंकि हम काम आउटसोर्स कर रहे हैं द रिस्क ऑफ स्टाफ टर्न ओवर इज पास्ड ऑन द आउटसोर्सिंग फर्म कि अगर मान लो हमारा एक एम्प्लॉई जा रहा है ऑडिट करने के बाद फिर दूसरा बंदा आ रहा है फिर तीसरा बंदा आ रहा है जा रहा है यह जो स्टाफ टर्न ओवर है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म के बंदे बार बार आ जा रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर

हमारा मेन पर्पस ये देखना होता है कि कंपनी का कॉस्ट कितनी है रही इंटरनल ऑडिट की और उससे हमें बेनिफिट कितने हो रहे हैं अगर कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट है ही नहीं तो फिर तो ऑडिट का क्या ही फायदा ठीक है द कंपनी विल ऑटेन एक्सेस टू न्यू मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजीज विदाउट दी एसोसिएट कॉस्ट दैट इज डेटा एनालिटिकल टूल या फिर ऑडिट सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी को इन सब पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑडिट सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल ऑडिटर लेके आएगा सॉरी आउटसोर्सिंग फर्म के पास अपना होगा ठीक है आउटसोर्सिंग फर्म खुद ये सारे सॉफ्टवेयर अपने रखेगी हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है वो आउटसोर्स फर्म का काम है हम अपने जो पैसे हैं वो हम नई टेक्नोलॉजी जो हमारे को बिजनेस में चाहिए वहाँ लगा सकते हैं मैनेजमेंट टाइम इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द इन हाउस डिपार्टमेंट विल बी रिड्यूस अगर कंपनी में इन हाउस ऑडिटर होगा तो इन हाउस वाले को जगह देनी उसको चीजें करनी उन सब में हमारा टाइम बच जाता है सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग द इंटरनल ऑरिट फंक्शन अब इसके डिसडवाटेज क्या होता है पहला प्रोफेशनल फर्म लैक द इंटीमेट नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंप्लॉयीज है प्रोफेशनल फर्म को उस इंडस्ट्री की नॉलेज हो लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी में एक्जैक्टली exactly कैसा काम हो रहा है उसकी नॉलेज नहीं है जो इंप्लॉयी को ज्यादा होती है द डिसीजन में बी बेस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शन बीइंग रिड्यूस मतलब हमारा जो फोकस है वो कॉस्ट पे है कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए हो सकता है कि कॉस्ट अभी ज्यादा लगे लेकिन आगे जाके उसके बेनिफिट हमें हो अभी ना हो लेकिन हमने तो सिर्फ देखा कि तीन महीने के लिए उसको अपॉइंट किया तीन महीने का कॉस्ट इतना है इतने बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट तो बहुत कम है छोड़ो क्या करना तो ये एक डिसडवाटेज होता है एंगेजमेंट विद प्रोफेशनल फर्म्स आर कंस्ट्रेन बाय कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स फ्लैक्सीबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी मे नॉट बी एज हाई एज इन हाउस फंक्शन अब यहाँ जो फ्लेक्सीबिलिटी की बात कर रहे हैं वो अलग है अगर हमने कोई प्रोफेशनल फर्म को अपॉइंट किया है एज़ इंटरनल ऑडिटर तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हफ्ते में वो दो दिन आएंगे इन दो दिन आएंगे वो ये ये काम करेंगे सब कुछ होता है अब हमको ये नहीं बोल सकते कि यार इन दो दिन छुट्टी या पहले वाले दो दिन आ जाओ वो कहेंगे ना हमने बोला है कि हम दो दिन ही आएंगे तो दो दिन आएंगे इसी दिन आएंगे छुट्टी है तो छुट्टी है बाद में देखते ठीक है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉय को तो कभी भी आप बोल सकते हो कि चल एक दिन की छुट्टी मार तू फ्राइडे छुट्टी मार सैटरडे आ जा इट कैन बी लेकिन इनको नहीं बोल सकते फीस चार्ज बाय प्रोफेशनल फर्म्स आर अ अ बिट ऑन हायर साइड एन एथिकल थ्रेट मे इफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर फर्म इफ सर्विस इज प्रोवाइड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर फर्म मतलब जो पर्सन कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है अगर वही पर्सन कंपनी को इंटरनल ऑडिट भी दे देगा तो उसके ए, तो एथिकल थ्रेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट केस हो सकता है कि तुम ही कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तुम ही एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हो इसका मतलब क्या है याद है हमने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर वो कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो इसके अंदर जितने भी इंप्लॉयज़ हैं तो इस पर्सन अगर ये इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो एक्सटर्नल ऑडिट में कोई भी काम नहीं कर सकता ये हमने ऑलरेडी ऊपर इन चैप्टर्स में कवर करा हुआ है प्रेशर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ आउटसोर्स फंक्शन फॉर एग्जांपल इफ मैनेजमेंट थ्रेटन नॉट टू रिव्यू दस कॉन्ट्रैक्ट। एक कि ये भी होता है ना जैसे प्रॉब्लम ये होती है कि मैनेजमेंट को पसंद अब देखो अब यहां एक प्रॉब्लम क्या है हमने एक आउटसोर्स करा इस पर्सन को काम ये एक एसी सी है और ये बेसिकली एक आउटसोर्स फर्म का इंप्लॉई है तो हमने इसकी फर्म से बात करी कि आप इस पर्सन को हमारे पास इंटरनलॉट के लिए भेज दो तो और उन्होंने भेज दिया अब पॉइंट इज़ अगर हमने कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड्स इस पर्सन ने बहुत सारे फ्रॉड्स निकाल दिए बहुत कमियाँ निकाल दी तो ये फर्म क्या बोलेगी कि भाई हमने तुमसे काम ही नहीं कराना छोड़ो इतनी गलतियाँ तुम निकाल रहे हो हमारी भाई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है तो जब भी आता है पचास गलतियाँ निकाल के चला जाता है हमारे सारे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं है ना तो ठीक है हमने तुमसे काम ही नहीं कराना तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस थ्रेट आ जाता है प्रेशर आता है इंडिपेंडेंस पे क्यों क्योंकि ये क्या बोलते हैं भाई हमें इससे तो पैसे आते हैं यही तो हमारा रेवेन्यू मॉडल है ना इस फॉर्म्स का कि इनका तो काम ही होता है इंटरनल ऑडिट करना अब अगर इतने स्ट्रांग ऑडिट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी वो बंदा कोई काम ही नहीं देगा इनको अब कोई काम नहीं देगा इनको तो सैलरी नहीं आएगी तो ये क्या करते हैं ये कहते हैं चल तो थोड़ा सा लीनिएट हो जाए कोई चक्कर नहीं छोड़ दे ये चीज़ मत चेक कर छोड़ कोई बात नहीं तो ये एक प्रेशर ऑन इंडिपेंडेंस हो जाता है कि एक तरफ उनको अपना बिजनेस भी देखना है क्योंकि रेवेन्यू भी यहाँ से आ रहा है और एक तरफ उनकी कमियाँ भी निकालनी है मैं भी ऐसे बहुत जगहों पे फंसा हूँ मैं कभी तुम्हें पर्सनली एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने जितने भी ऑडिट्स करे हैं उन सब ऑडिट्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे इंडिपेंडेंट्स थ्रेट्स ये सब मैंने कैसे फेस किया अपने पूरे आर्टिकल शिप पर सारा बताऊँगा और लास्ट आता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ सर्विस अब जो एक्सटर्नल जो ये आउटसोर्स फर्म है हमें जैसी भी एक क्वालिटी देगी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि यह क्वालिटी ठीक करो वो कहेंगे भाई हम तो ऐसे ही देते हैं अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया बाद में किसी और से करा लेना सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिस ऑफ आउटसोर्सिंग दी ऑडिट फंक्शन इंटरनल ऑडिट फंक्शन बेसिकली नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स अब इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट क्या हो सकता है कि क्या क्या उसको असाइनमेंट दी जा सकती है किस टाइप के काम दिए जा सकते हैं ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया बट यहां थोड़ा सा एक ग्रुपिज्म में है सबसे पहला इंटरनल ऑल्टर परफॉर्मेंस मे डि परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड वैल्यू फॉर मनी असेसमेंट्स असाइनमेंट सॉरी दूसरा होता है ऑपरेशनल ऑडिट्स देन ऑडिट ऑफ आई टी सिस्टम ये हमने ऊपर पढ़ा था फाइनेंशियल ऑडिट ये सारा हमने ऊपर पढ़ा हुआ है यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सो वैल्यू फॉर मनी ऑडिट यानी वी एफ एम होता क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग कितनी आ रही है और उससे हमें बेनिफिट कितने आ रहा है इस चीज का ऑडिट करना कि अगर जो भी हमने जैसे मान लो हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे थे उस इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न ही कुछ नहीं आ रहा दैट मीन्स उस इन्वेस्टमेंट को खत्म करो क्योंकि रिटर्न ही नहीं है कहीं और इन्वेस्ट करो पैसे दैट इज वैल्यू फॉर मनी सो वैल्यू फॉर मनी इज कंसर्न विद ऑप्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसज फॉर द लीज रिसोर्सेज इट इज़ ऑफन रेफर टू एज रिव्यू ऑफ थ्री इज इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इकोनॉमी मतलब बेस्ट क्वालिटी एट लो कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं सारे और इफेक्टिवनेस मतलब अचीविंग गोल्स एंड टारगेट्स एफिशिएंसी मतलब कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं और इफेक्टिवनेस मतलब सारे टारगेट्स कंपनी के अचीव हो रहे हैं दैट इज वैल्यू फॉर मनी के जो भी हम काम करा रहे हैं एक तो कम प्राइस में क्वालिटी बेस्ट हो दूसरा सारे डिपार्टमेंट्स पूरा पूरा आउटपुट दे रहे हो और तीसरा उसमें हमारे जो भी क्वालिटी थी वो मेंटेन है और अच्छी क्वालिटी और गोल्स हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे ठीक है एक बार इसको पढ़ लेना तुम्हें चीज समझ आ देगी जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी तो वैल्यू फॉर मनी अगर हॉस्पिटल्स के लिए हमें इंटरनवर्ट करानाने वैल्यू फॉर मनी वो क्या हो सकता है इकोनॉमी कॉस्ट ऑफ मेडिकल सप्लायर्स पर एनम कि मेडिकल सप्लायर्स जो हमें आती है मेडिसन्स आती हैं वो पर एनम कॉस्ट कितनी है बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन होती हैं बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज होती हैं तो हमें सस्ती मेडिसिन और अच्छी मेडिसिन मिल जाए वो ज़्यादा बेटर होगा है ना रैन महंगी मेडिसिन लेने के एफिशेंसी क्या होगी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ट्रीटेड पर ईयर यूटिलाइजेशन रेट रेट ऑफ़ बेड्स एंड ऑपरेटिंग थिएटर कि हम ओ टीज़ कि बेसिकली हमारे जो पेशेंट्स हैं कितने ट्रीट हुए हैं इस साल जितने ज़्यादा पेशेंट ट्रीट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा दैट इज़ एफिशियंसी इफ़ेक्टिवनेस रिकवरी रेट्स नंबर ऑफ़ डेथ्स कि कितनी हमारी डेथ्स हो रही हैं डेथ्स कम हो रही हैं रिकवरी कितने ज़्यादा लोगों की हो रही है सो उससे हमें पता चल देगा कि हमारा काम कितना अच्छे से चल रहा है और गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी कि हॉस्पिटल में मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं उससे मुझे एक ओवरऑल रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल ऑडिट्स अब ऑपरेशनल ऑडिट्स एक तरह से वैल्यू फॉर मनी की तरह होता है लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने काम है day -day हम चेक कर रहे हैं अपनी डे टू डे वर्किंग कि डे टू डे वर्किंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही एन ऑपरेशनल ऑडिट इज सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ देश विद इन दर्गनाइजेशन द फोकस ऑफ द ऑडिट इज ऑन द प्रोसेस विच टेक प्लेस विद इन दर्गनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इफ देयर कैन बी अ स्ट्रीमलाइंट एंड परफॉर्म मोर एफिशियटली द मोर एफिशियंट प्रोसेस इज द मोर प्रॉफिटेबल दर्गनाइजेशन शुड भी मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं उसका तरीका क्या है काम करने का कितना एफिशियंटली हम काम कर रहे हैं कितना इफेक्टिवनेस है उस काम की क्या उस काम को करने का और भी कोई नया तरीका है कि हम अपनी आउटपुट और ज्यादा कर सकते हैं इस मशीन से ज्यादा यूनिट्स बन सकते हैं और इस मशीन से हम ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो हमारे गोल्स भी अचीव होंगे वो सारी चीज चेक करना दैट इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ अ इंटरनल ऑर्टर उसको वो भी असाइनमेंट दी जा सकती है कि आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली जो मशीन पे काम कर रहे हैं वो तो इम्प्लॉयज़ हैं लेबर है उनको क्या पता कि कौन सी मशीन बढ़ी है कौन सी नहीं ऑडिटर जो है उसको बहुत डिटेल नॉलेज होगी कि भाई इस मार्केट में आजकल क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कौन सी चीज चल रही है सो दी आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ठीक है सो ये एक बार रीड कर लेना मैं नहीं पढ़ा रहा द इंटरनल ऑडिटर मे रिकमेंड दैट एन इंटेग्रेटेड सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द नीड ऑफ द डेटा टू बी एंटर्ड इन ईड डिपार्टमेंट इफ नॉट ये बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया हुआ तो इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल uh, जैसे हम एक Uh, एक कॉपी है जिसमें सारी जर्नल एंट्रीज लिखते हैं उसके बाद हम कॉपी में लेजर बनाते हैं उसके बाद हम इसके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं देन हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो ये हम कॉपी में बनाते हैं सारे इंटरनल ऑल्टर आया उसको ने बोला कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आप सिंपल सिंपल बस इसको एक सॉफ्टवेयर में डालो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाएंगी जस्ट एन एग्जाम्पल तो ऐसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट गिव इट अ प्लेन रीट ऑडिट ऑफ आई टी सिस्टम ये मैंने तुम्हें बता दिया था आई टी सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी लाइक कंप्यूटर्स सो एक्सटर्नल ऑडिटर कंसिडर्स आई टी सिस्टम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ वैदर दे प्रोवाइड रिलायबल बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर देर इज अंटरनल कंट्रोल विच आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मी स्टेटमेंट जो इंटरनल आई टी सिस्टम हमारा है जैसे सॉफ्टवेयर है जिससे हमारी अकाउंट्स बनते हैं वो कितना इफेक्टिव है हमने एक बार पढ़ा भी हुआ है जहाँ हमने देखा था कि जो भी हमारा आई सिस्टम है हम उसमें टेस्ट करते हैं टेस्टिंग सैम्पलिंग एंड ऑल तो वो कितने अच्छे सिस्टम है हमारे दैट इज ऑल्सो ऑडिट ऑफ आई सिस्टम तो इंटरनल ऑडिटर ऑडिट करता है आईटी सिस्टम का चेक करता है कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए उसको ऐसी कोई कमी ही ना मिले इंटरनल ऑडिट विल आल्सो कंसीडर दिस हावेवर इट्स रोल इज मच वाइडर इन स्कोप एंड विल आल्सो कंसीडर वेदर कंपनी इज गेटिंग वैल्यू फॉर मनी आईटी सिस्टम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ आईटी सिस्टम वाज़ इफेक्टिव एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम इज ठीक से मेंटेन हो रहा है सिस्टम सारी सर्विसेज़ उसकी हो रही है हर साल ए वाले आते हैं एनुअल मेंटेनेंस वाले चेक करके जाते हैं आई सिस्टम ठीक से काम करे के नहीं कर रहा वो सारी चीजें आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट पेज हाँ उसके बाद आता है हमारा लास्ट फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल ऑडिट मतलब ऑडिट ऑफ financial statements तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी इंटरनल ऑडिटर ऑडिट करता है और देखता है कि इसमें कोई कमी पे तो नहीं है अगर है तो उसको ठीक कराता है ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं और जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो उसमें कोई भी कमी ना हो द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इज टू क्रिएट एक्यूरेट कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स फोकास्टिंग एंड प्रोजेक्शंस तो ये सारी चीज़ें हमारी एक इंटरनल ऑडिटर चेक करता है सो द मेन एम ऑफ इंटरनल इंटरनल फाइनेंशियल ऑडिट इज़ टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज थ्री आर रिलायबल एंड प्रोड्यूसड इन अफिशियंट एंड टाइमली मैनर इफ नॉट एग्जेक डिसीजन में भी बेस्ड ऑनिला चेक करते हैं कि नहीं बन रहे। आ रही हम मंथली मैनेजमेंट अकाउंट से जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं अगले महीने की बजट बना रहे वो ठीक से बन रहे नहीं बन रहे उस पर वर्क करना मोर इंपॉर्टेंटली इट इज अबाउट इंश्योरिंग देयर आर मेकेस फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क सच एस एडवर्स करेंसी फ्लक्चुएशंस एडवर्स इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तुम्हें इन सब का नहीं जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल अगर एक पेट्रोल पम्प है तुम्हें पता होगा कि पेट्रोल के प्राइस रोज कुछ पॉइंट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं ठीक है तो एक इंटरनल ऑर्डर का, का काम क्या होता है वो ये चेक करेगा कि रात को बारह बजे इन्होंने जो रेट्स हैं इम्प्लॉज ने वो अपडेट कर दिए या नहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी प्रीवियस डे के रेट चल रहे हैं तो उससे क्या होगा अगर प्रीवियस डे का रेट कम था और पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा है है ना तो इंटरनल ध्यान रखता कि कि जो ऐसे रेट्स वगैरह हैं हैं वो ठीक से नहीं सिस्टम में करेंसी जो हमारी फॉरेन करेंसी है जैसे अगर एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी के रेट ठीक से हम चेंज कर रहे है हैं कि नहीं कर रहे वो सारी चीजें देन लास्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग अब रिपोर्टिंग इज अनलाइक एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिपोर्ट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट डेव अ फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कोई प्रॉपर फॉर्मैट नहीं होता ठीक है ना उसका कोई प्रॉपर फॉर्मैट नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही उसका ऑडिट होना है सो so, वो अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना सकते हैं इट इज लाइकली दैट द फॉर्मैट इज अग्रीड विद दमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रायर टू कमेंसिंग दी असाइनमेंट असाइनमेंट कमेंस होने से पहले इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट साथ बैठेंगे कि हम इस फॉर्मैट में आपको हर महीने रिपोर्ट दिया करेंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट सारी वो रिपोर्ट जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दीज रिपोर्ट विल जनरली बी फॉर इंटरनल यूज ओनली द एक्सटर्नल इफ दे आर इंटेंटेड टू प्लेस रिलायंस ऑन दर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ये नॉर्मली जितनी भी रिपोर्ट होती हैं ये इंटरनल ऑडिट और कंपनी के लिए ही होती हैं लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे तो इन रिपोर्ट्स का यूज कर सकता है अगर वो इंटरनल ऑडिटर की काम पे रिलायंस करता है अ टिपिकल रिपोर्ट विल इंक्लूड टर्म्स ऑफ रेफरेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट में क्या क्या चाहिए था एग्जीकटिव समरी द की रिस्क एंड रिकमेंडेशन दैट आर डिस्क्राइब मोर फुली इन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट बॉडी ऑफ द रिपोर्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफ वर्क वर्क एंड द रिजल्ट दैट अपेंडिक्स कंटेनिंग एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट बिलोंग टू दॉडी ऑफ द रिपोर्ट बट विच इज रेलिवेंट टू दसाइनमेंट ये बेसिकली एक फॉर्मैट बताया हुआ so है सो गाइज यहाँ होते हैं हमारे चैप्टर खत्म तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं सो इन द एग्जाम यू मे बी आज टू टेक द रोल इंटरनल ऑडिटर परफॉर्मिंग एंड ऑडिट असाइनमेंट टू टेस्ट कंट्रोल और आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट इन दफिशेंसी दैट कैन बी मेड एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कैन बी सेट आउट इन द सेम वे एज रिपोर्ट टू मैनेजमेंट दैट हैज बीन सीन इन सिस्टम एंड कंट्रोल्स चैप्टर डिस्क्राइबिंग द डेफिशंसीज आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मैट काइंड ऑफ वैसा ही होता है ठीक है तो वो फॉर्मैट तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है तो अब द पॉइंट इज यहाँ पे तुम्हारे को अभी चैप्टर जो पढ़ना है एक ओपन माइंड से पढ़ना है चैप्टर अगर हम इंटरनल ऑर्डर हैं जैसे मैंने तुम्हें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए थे अगर हम इंटरनल ऑर्डर हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा हम कैसे कमियां निकालेंगे कैसे उनका उनका रिपोर्ट करेंगे उनको वो सारी चीजें इस चैप्टर में हैं तो इसके बाद जितनी भी इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स है गाइस एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो बहुत अच्छे से पढ़ लो और ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो खुद सॉल्व करने के और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम